गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? आज मैं आपके साथ एक रूप मंत्रा फेस वॉश के ऊपर रिव्यू लेकर आई हूँ। सो जो लोग मेरे चैनल में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की हमेशा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को मूव ऑन। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है ये रूप मंत्रा का ये दो फेस वॉश का रिव्यू। या आप देख सकते हैं दो ही फेस वॉश है, दोनों फेस वॉश अलग अलग आते हैं, दोनों के वेरिएंट अलग अलग। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले वाला जो मेरा फेस वॉश है ये मिक्स फ्रूट फेस वॉश है, आप देख सकते हैं रूप मंत्रा फेस वॉश। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इस फेस वॉश मेरे पास जो है 100 ग्राम की ये ट्यूब है और 83 रुपीज़ इसकी प्राइस है। ये वाइट कलर का इसका पूरा ट्यूब आता है और मैं बता देती हूँ कि इसमें मुझे 15 ग्राम एक्स्ट्रा मिला था इस फेस वॉश में। और साथ ही साथ इस फेस वॉश में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स एडेड है। साथ ही साथ इसमें कुछ केमिकल्स भी है, जैसे कि आपको पैराबीन मिल जाएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स भी और पैराबीन भी एडेड है। साथ ही साथ ये फेस वॉश आपको 3 साल की इसकी सेल्फ लाइफ मिल जाती है। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ही अवेलेबल है। और इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना पड़ता है। फेस एंड नेक आराम से आपके पूरे क्लीन हो जाती है। ये बहुत अच्छे से लेदर एंड फोमिंग क्रिएट करता है। ये फेस वॉश मैं आप दिखा देती हूँ ये फेस वॉश दिखता कैसा है। आप देख ही सकते हैं कि फेस वॉश एक जैम जैसा होता है ना, फ्रूट जैम उस तरह की ये दिखती है। ये एकदम पूरा पीची रेड काइंड का है और ये जेल आप देख सकते हैं। अगर आप इस फेस वॉश को थोड़ा सा निकालोगे ना, स्विश करोगे आप उसका बॉटल को, तो ये कुछ ज़्यादा ही निकल जाता है और ये बहुत अच्छा लेदर करता है। और स्मेल की बात करें, च्युइंगम जैसा स्मेल आता है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, ऑसम लगता है मुझे। बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है और साथ ही साथ मुझे इसमें बहुत अच्छा लेदर करता है। आपके फेस में जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी डर्ट्स पोल्यूशंस होते हैं, ये सब को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। अब मैं बता देती हूँ ये फेस वॉश क्लेम क्या करता है। इसने दो ही क्लेम किए गए हैं। ये रिमूव करता है फेशियल स्किन के डर्ट्स को, दूसरा ये ब्लेमिशेस एंड पिम्पल्स को प्रिवेंट करता है। यहाँ दी गई है ये दो ही इसने क्लेम की गई है। तो मैं जैसे कि बता देती हूँ कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश का मेन काम होता है आपके फेस से जितने सारे गंदगी एंड जर्म्स बैक्टीरिया को क्लीन करना। तो ये फेस वॉश इस बात पे खड़ा उतरता है। ये ऐसा ही है फेस वॉश, बहुत अच्छे से लेदर फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो आपकी जितनी भी गंदगी होती है फेस पे बाहर से आने के बाद, बहुत ज़्यादा ही धूल पॉल्यूशन होता है आपके फेस पे, तो ये उसे क्लीन करता है। साथ में इसमें लिखा है कि ये प्रिवेंट्स करता है पिंपल्स एंड ब्लेमिशेस को। तो मैंने इसे यूज़ करके पूरा ख़त्म कर दिया, ये पूरा फेस वॉश ख़त्म हो चुका है। ये फेस वॉश मुझे यूज़ करते होते 2 मंथ हो चुके हैं लगभग, लेकिन ये फेस वॉश मेरे पिंपल्स में किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं दिखा है। ना ही मेरे पिंपल्स आना बंद हुए हैं, ना ही मेरे पिंपल्स को ये ड्राई किया है जल्दी, और ना ही जो ब्लेमिशेस थे उसे ये फेड अवे किया। तो ये फेस वॉश पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए सही नहीं है, लेकिन इसमें जो ये क्या है बोला है कि ये डर्ट्स को रिमूव करता है, या ये इसने डर्ट को रिमूव किया ये फेस वॉश। इसलिए अगर आप टीनएजर्स हैं और आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट्स के बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं। और एक ये रूप मंत्रा फेस वॉश एक आयुर्वेदिक मेडिसिन फेस वॉश है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखें कि इसमें पैराबिन्स भी एडेड है। सो इस फेस वॉश का यही था। अब मैं इसकी दूसरी वेरिएंट जो आती मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। ये फेस वॉश सेम दिखता वैसे ही है, इसमें भी सेम क्वांटिटी है और इसमें भी वही सेल्फ लाइफ दी गई है। मैं बता देती हूँ कि इसमें भी सेम एडेड है, जैसे मैंने उसमें बताया कि आपको यहाँ पर ही बहुत सारे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, तुलसी लेमन, क्योंकि इसमें फ्रूट्स नहीं है, इसमें ज़्यादा लेमन दिया गया है, तो इसमें लेमन एंड मिंट है। और साथ ही साथ इसमें मेथन और परफ्यूम भी एडेड है। तो मैं बात करूँ जहाँ तक इसमें पैराबीन की, तो इस फेस वॉश में जैसे कि मैंने मिक्स फ्रूट में बताया था कि मिक्स फ्रूट में फ्रूट्स के अलावा
साथ ही साथ पैराबीन है, बट इसमें फ्रूट्स ज़्यादातर इसमें फ्रूट्स ही एडेड है, एक्सट्रैक्ट्स उसके, और इसमें मुझे पैराबीन नज़र कहीं नहीं आ रहा इंग्रेडिएंट में। साथ ही इसमें फ्रूट के साथ साथ कलर एडेड है और साथ ही परफ्यूम भी एडेड है। तो ये फेस वॉश इस फेस वॉश से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पैराबीन थे और इस फेस वॉश में पैराबीन नहीं है। इसमें केमिकल्स ज़्यादा थे, इसमें केमिकल्स कम है। अब मैं बात कर दूँ तो ये फेस वॉश को यूज़ कैसे करना है, सेम इसको भी यूज़ करने का वही तरीका, थोड़े सा अमाउंट अपने फेस और नेक के लिए यूज़ करना है। और आपको बहुत अच्छा, ये भी लेदर करता है आपके फेस को और नेक को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसमें हम बात करते हैं कि इसने क्लेम क्या किया है। इसने भी फेस वॉश में दो क्लेम की गई है कि ये रिमूव करता है ड्राइनेस को, रफनेस को, और कंट्रोल करता है स्किन क्रैकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि विंटर में ही स्किन क्रैकिंग होती है जो ड्राई स्किन टाइप है, बट सवाल ही नहीं उठता। ये रिमूव करता है ड्राइनेस एंड रफनेस को, जहाँ तक मैंने इसे यूज़ किया है। ये यूज़ करने के बाद आपके फेस से जितना एक्सेस ऑयल को ये रिमूव कर देता है, आपके जर्म्स बैक्टीरिया को भी क्लीन करता है, तो फेस को नीट एंड क्लीन बनाता है। लेकिन आपके फेस में एक ड्राई आउट फील होता है, स्टिची फील होता है। मेरी फेस तो एक ऑयली है, मेरी फेस ड्राई नहीं है या नॉर्मल नहीं है, बट मेरी फेस में जब मैं इसे लगाती हूँ तुरंत बाद मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि फेस बहुत खींचता है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फेस वॉश ड्राई स्किन के टाइप के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए है। आप इसे समर में ट्राई कर सकते हैं, आप इसे विंटर पे ट्राई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने इसे खुद ट्राई किया। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। अब मैं बताती हूँ कि फेस वॉश दिखता कैसे है। आप देख ही सकते हैं ये ट्रैवल फ्रेंडली फेस वॉश। ये दोनों ही फेस वॉश जो मैंने दिखाया, ये दोनों ही लीक करता है, ये आप देख ही सकते हैं। और ये भी फेस वॉश सेम है, ये भी लीक हो चुका है, आप देखिए। तो स्मेल की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा एकदम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इसमें एडेड है कि आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है कि स्मेल की बात की जाए, अब देखिए ज़रा सा निकालने जाओगे ना तो इतना ज़्यादा इसमें क्वांटिटी आपकी निकल जाती है। और ये भी सेम जैसे मैंगो जेली आता है ना, जैम, वैसे हम लोग बचपन में खाया करते थे, उस तरह से ये जेली की तरह लगता है मुझे। अब फ्रेग्रेंस तो टू स्ट्रॉन्ग, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस एकदम नहीं पसंद है। बेस्ट है इसकी स्मेल, जबकि इसमें पैराबीन एडेड है, बट इसकी स्मेल वेर्ड, एकदम वेर्ड इसकी स्मेल मुझे लगती है। तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही यूज़ करना है। ये बहुत ठीक है, बहुत ठीक होता है ये, और लेदर बहुत अच्छी तरह आपको जो पानी के साथ यूज़ करना है। मैं तो इसे नॉर्मली अपने हैंड्स पे दिखा रही हूँ करके, बहुत अच्छा है। अगर आप टीनेजर्स और कोई अफोर्डेबल फेस वॉश ढूंढ रहे तो आप इस दोनों फेस वॉश के लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि ये फेस वॉश में फ्रूट्स के बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स है, और इसमें भी फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स है। इसमें पैराबीन ऐड है और इसमें पैराबीन ऐड नहीं है। इसकी स्मेल फ्रूटी काइंड है और इसकी स्मेल थोड़ी वेर्ड है। तो ये दोनों ही फेस वॉश अफोर्डेबल के साथ साथ टीनेजर्स के लिए भी बेस्ट है। तो मैं ये दोनों फेस वॉश के लिए ऑयली स्किन, नॉर्मल टू ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रिकमेंड करती हूँ। ये दोनों फेस वॉश ड्राई स्किन की टाइप के लिए नहीं है। ड्राई स्किन वाला अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे समर में यूज़ करें, ना कि आप इसे विंटर में। सो ये आई होप आपको ये दोनों फेस वॉश के रिव्यू आपको समझ आई होगी। मैंने डिटेल में इस फेस वॉश के ऊपर बताया आपको। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।